जाहिर सर आज जो हम लोग ने डेफिनेट इंडिकेशन पढ़ा था उसी के आगे हम लोग पढ़ लें और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा उसने करना क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 0 to 2 x² + 1 dx, आपको समझना है कि आप कैसे करोगे उसको। ठीक है, उसके लिए आपको पहली एक चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी, यहाँ पर जो एफ एक्स दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है x² + 1 दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपकी ये जो फॉर्म था ये एफ एक्स का, जो एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो फॉर्म था वो ये था। ठीक है, अब इस फॉर्म को भी देख रहे हैं हमको, अब यहाँ पर देख रहे हो गई ए दिया हुआ है ए प्लस एक्स दिया हुआ, तो पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा इस फॉर्म में लिखना है, देन इसके बाद एफ एक्स का जो भी केस बनता है फिर हम उसको उसमें फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं। और सबसे पहली चीज क्या होगी, देखो सबसे पहली चीज को आप क्या करो कि आप एच निकालना, एच क्या होता है, एच आपको याद होगा मैं बताया था बी माइनस ए अपॉन में एच था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो लिख लो ए आपको दिख रहा है लोअर लिमिट है इक्वल टू 0 दिख रहा है और बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ। ठीक है, ये भी रख लो, तो बी की वैल्यू यहाँ 2 रख दी तो 2 - 0 हो गया अपॉन में एन हो गया, इसका मतलब 2/n हो गया, मतलब एच की वैल्यू जो हमको मिल गई वो 2/n मिल गई। ठीक है, आप इसको लिख लो यहाँ पे एच इक्वल टू हो गया 2/n स्मॉल n, एच की वैल्यू मिल गई। उसके बाद अब देखो ए की वैल्यू मिल गई बी की वैल्यू मिल गई, अब इसमें हम उसको चेंज करते हैं तो हमारा ये क्या बनता है, देखो अभी हमारा ये था ए बी एफ एक्स डी एक्स, सबसे पहले अभी इसको उसी फॉर्म में रखते हैं, तो एच की वैल्यू आ गई 2/n, हमने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, लिमिट क्योंकि एच में चेंज करना था इसलिए हमने लिखा लिमिट एच टेंस टू 0, ये स्मॉल n है एच टेंस टू 0। अब देखो एफ ए रखना है, तो एफ ए क्या होगा हमारा ए की जगह पे क्या रख लो 0 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका एफ 0, फिर उसके बाद ये हो जाएगा देखो 0 प्लस एच है 0 प्लस एच, अगर एफ ए प्लस एच देखोगे आप यहाँ पे देखो सिर्फ इसी में देखो असर की बात हो रही है, अभी कुछ हम उसमें एक्सक्लूड नहीं कर रहे, ए प्लस एच है तो ए की वैल्यू क्या थी 0 थी हमारी, तो हमने रख दिया यहाँ पे 0 प्लस एच की वैल्यू कितनी 2/n है, तो हमने क्या कर दिया 2/n रख दिया, तो हमारा क्या बन गया यहाँ देखिए एफ 2/n ये बन गया, मतलब क्या हुआ कि एफ ए प्लस एच जो बन गया वो हमारा एफ 2/n बन गया, तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया एफ 2/n। ठीक है, उसी के बाद अब देखो एफ ए प्लस 2h है, तो ए प्लस 2h भी निकाल दो इसी के अंदर एफ के फॉर्म में, ए प्लस 2h है वैसे आप निकाल दोगे डायरेक्टली, ए 0 था हमारा तो हमने क्या किया यहाँ पे 0 कर दिया प्लस 2। ठीक है, और h कितना था हमारा, h हमने निकाला 2/n निकाला, तो ये यहाँ पर 2 कर दो 2/n, देखो क्या हो गया हमारा एफ बन गया 4/ आपका n बन गया, समझ रहे हो बात नहीं, तो ये तुम्हारा बन गया एफ 4/n, ऐसे ही बेटा ये बनता चला जाएगा प्लस में, इसको आप आगे क्या किएगा ये रफ्त था ना साइड में इसको लेते रहिएगा। अच्छा अब देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है जो भी पुराने आपके केसेस हैं उसको दिमाग में रखना है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, एक क्वेश्चन आ सकता है वैसे है तो इसमें 5 ही 4 या 5 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस तरीके का, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है और कुछ भी हो सकता है, साइन वाला भी हो सकता है या ई पावर एक्स वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये था एफ, ये फंक्शंस हैं अभी। ठीक है, अब फंक्शंस पे जो फंक्शन हमारा था ये देखो यहाँ पे हमने लिखा था, हाँ ये फंक्शन लिखा था, जो हमारा जो क्वेश्चन का फंक्शन है वो हमारा बेटा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एफ नॉट निकालो यहाँ से, मतलब 0 निकालो, फिर एफ 2/n निकालो, फिर एफ 4/n निकालो, तो जो भी बन रहा है उसको निकालते रहो, यहाँ प्लेस करना है बस और कुछ नहीं करना है। चलो देखते हैं जल्दी से, तो ये बन गया हमारा 2/n, उसके बाद ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, एन और एच में कंफ्यूज ना होना ये बेटा थोड़ा सा एच है ये, है ना एच टेंड्स टू 0। उसके बाद देखो एफ नॉट, देखो एफ नॉट हमारा क्या बनेगा, यहां पर रखो, यहां पर रखोगे इस जगह पे एफ 0 रखो, एफ 0 रख के देखो 0 रखो तो क्या 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 तो क्या बनेगा हमारा 0 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 1, क्लियर है ना,
एक बार फिर से देख लो, ये हो गया एफ नॉट, ये हो गया बल्ब। देखो फिर से देख लो, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे बता रहा है कि सर यहाँ पे पहले आपने इसमें रखी वैल्यू, फिर उसके बाद आप इसमें रख रहे हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं एफ ए में, पहले हमने क्या किया एफ ए, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस प्लस, यहाँ पे हम लोग फंक्शन का यूज नहीं किया, हम उसके अंदर फंक्शन के अंदर ही देख रहे थे, समझ रहे ना बात। तो हम लोगों ने क्या किया, बस ए और बी की कोई वैल्यू दी थी, वहां से हम लोगों ने बस फंक्शन को रखा, मतलब जो उसके अंदर वो जो चीज होता है, जो एक्स होता है वो रखा। तो हम लोग एक्स यहाँ पे बनाए, अब उसके बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो ओरिजिनल फंक्शन को दिया था उसके अंदर हम लोग प्लेस कर करके उसको हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, मतलब फंक्शन से हम लोग आ रहे हैं एफ एक्स से हम लोग आ रहे हैं वेरिएबल, वेरिएबल कह लो या जो एलजेब्रिक फंक्शन है, जो रिक्वायर्ड एलजेब्रिक फंक्शन होता है उसमें आ रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी से देखते हैं, एफ नॉट या एफ जीरो, एफ जीरो बन गया हमारा बल, फिर एफ टू बाई एन यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा, देखो जल्दी से देखो एफ टू बाई एन क्या बनेगा, ऐसी रख दो भैया, ठीक है, या एक्स की जगह पे एक्स को रिप्लेस कर दो, ठीक है, एक्स से रिप्लेस करो टू बाई एन को क्या बन जाएगा, टू बाई एन का होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस वन बनेगा। आप एक काम करोगे उसको एक छोटी सी ब्रैकेट में ले चलो, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये 4 बाय एन रखो, तो चलो 4 बाय एन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 बाय एन का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा। और ये जो चीज है ये ऐसी चलती चली जाएगी एंड सो ऑन तक, समझ आ रहा है, एंड सो ऑन तक जाएगा। तो इसका मतलब ये कहां लग जाएगा, देखो यहां पे a प्लस n माइनस 1 इनटू d था, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, बी तो वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस वन था यहाँ पर फिर तो इसे क्या बन जाएगा, एन जो था तुम्हारा वही रहेगा सेम, और एक्स की वैल्यू जो तुम्हारी है यहाँ पर ये रख दो, ये भी आपकी प्लेस हो जाएगी जगह पर, तो वो कैंसिल होता जाएगा। तो अभी आप इंग्लिश स्टेप देखेंगे वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे भी वो था एन तक जाते हैं ना तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम लोग, तो इसलिए उसको नहीं देखना, हम इंग्लिश स्टेप लेके चले। चलो अब देखो यहाँ पे तीन स्टेप हो गए, एक दो तीन, हाँ ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम लोग 2 बाय एन की पावर 2 जो है या 4 बाय एन की पावर 2 जो है उसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, 1 1 को एक साथ लिख लेते हैं, मतलब क्या है कि जो ये फंक्शन है, मतलब ये जो पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, तो ऑब्वियस बात है जब दूसरे टर्म में भी 1 है तो तीसरे टर्म में भी 1 होगा और चौथे टर्म में भी प्लस 1 होगा, ऐसे एन जब भी आता प्लस 1 होगा, बात समझ में आ गई। अब प्लस 1 होगा जिसका मतलब है एक सीरीज हमारी यहाँ से आपको मिल रही है, जो कि आपकी क्या मिल रही है 2 बाय एन, उसको लिख लो लिमिट h tends to 0, एक सीरीज के लिए 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, ये तीन 1 तो यही हो गए, उसके बाद एंड सो ऑन इस तरीके की ये मिल रही है, फिर उसके बाद प्लस में एक 2 बाय एन, 2 बाय एन का स्क्वायर प्लस 4 बाय एन का स्क्वायर, फिर ऐसे एंड सो ऑन इस तरीके की सीरीज मिल रही है, इसको क्लोज कर दो, ठीक है, ये वाले पैकेज दिख रहा है। ये एंड सो ऑन है, ठीक है, ये तुम्हारा सीरीज आ रही है। अब देखो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा, समझ लो, ये याद होगा आपको, हम लोग ने पढ़ा था कि डायरेक्टली बता सकते हैं, एक को 10 बार जोड़ो है ना या 10 इंटू 1 करो, बात एक ही है, बात समझ में आ रहा है, एक को 10 बार जोड़ो या 10 इंटू 1 करो, बात एक ही। उसी तरीके से अगर 1 जो है तुम्हारा एन तक जा रहा है तो एन इंटू 1 करो तब भी बात एक ही, समझ में आ रहा है, एक को एन तक जोड़ो या एन इंटू 1 करो बात एक ही, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 बाय एन लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया आपका, ये बन गया बेटा n बन जाएगा, इसका केस तो खत्म हो गया ये पूरी सीरीज, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत है क्या, चलो लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 जो होता है हमारा एंड सो ऑन, ये n होता है, ठीक है, n तक जाएगा तो n हो जाएगा, तो ना कि n इनटू 1 कह लो या n कह लो बात देखिए, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये अलग पार्ट है, चिंता न करना, देख के उसको रख कर देना, देख लो थोड़ा रख करें गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या दिया हुआ है, देखो ये 2
बाई एन का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 बाई एन का स्क्वायर है, क्या हम ऐसा ना करें इसको कि इसको 2 बाई एन बना ले? नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 कर लो, ठीक है 2 इंटू 2 कर लो और इसको 2 बाई एन बना लो, तो हमारा वो कैसे बनेगा? इसमें हम लोग का 2 बाई एन का स्क्वायर होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? चलो 2 बाई एन का स्क्वायर बाहर कर लो, तो हमारा ये बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ से बचेगा 2 इंटू 4 बाई एन है, तो 4 बाई एन को लिख सकते हैं 2 बाई एन, ऐसे करके लिख सकते हैं 2 बाई एन का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4 बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है? तो 2 बाई एन का स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है? चलिए ये स्टेप ऊपर कराते हैं, अभी इतना नोट पर यहाँ करके यहाँ पे इसको देखते हैं, करोड़ हो जाएगा, ये स्टेप ऊपर कर इसको यहाँ पर नोट करो, नो पॉज वीडियो पे नोट डाउन। तो देखो ये जो था ये बताया अभी, ये बन गया आपका एन बन गया, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं n लिमिट एस टेंस टू 0, ये हो गया आपका n, ये वाला जो बना हमारा 2 बाई एन का स्क्वायर हमने बाहर ले लिया था, 2 बाई एन का होल स्क्वायर बाहर कर लिया प्लस में, अब देखो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो क्या रहेगा, इसको तो समझ गया होंगे 4 बाई एन को लिखा था ऐसे करके, 4 बाई एन का स्क्वायर जो किया था वो लिखा था 2 इंटू 2 एन 2 बाई एन का स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया था 2 का स्क्वायर अलग और 2 बाई एन का स्क्वायर अलग, ठीक है? 2 बाय n स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे तो 2 स्क्वायर बाहर बच जाएगा, ऐसे ही आपका तुम्हारा क्या हो जाएगा आगे रहने के लिए स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है? ये तुम्हारे बन जाएंगे स्क्वायर के फॉर्म। अच्छा अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होगा कि स्क्वायर का जो फॉर्म होता है हमारा वो हमारा क्या बनता है, याद है आपको? हमने एक सीरीज लिखवाई थी, शायद आपको ध्यान होगा कि हमारा जो 1 का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का सम क्या होता है, और एक 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन का क्यूब हमने बताया था, तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे इस जगह पे वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये जो हो जाता है हमारा ये क्या हो जाता है, हो जाता है हमारा एन माइनस एन एन माइनस वन, ठीक है? ये बन जाता है हमारा एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन बाई सिक्स, ये बन जाता है वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर एंड सो ऑन करके, तो यहां पे आपको यही चीज प्लेस कर देना है बस, ठीक है? तो आप रखिए इसको टू बाई एन लिमिट एस टेंस टू जीरो, ठीक है? और ये आपका एन प्लस 2 बाय एन का स्क्वायर ब्रैकेट में ये बन जाएगा आपका एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन बाय सिक्स, ठीक है? और ये आपका बन गया, देखो इसकी जगह पे सीरीज की जगह पर हमने ये रख दिया, अब यहाँ देखो एन स्क्वायर है, ठीक है? तो यहां से क्या करते हैं एन एक एन जो होगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम ब्रैकेट से यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, ये 2 का स्क्वायर एन का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक एन यहाँ से कैंसिल हो गया हमारा, सिर्फ एक एन बचा यहाँ, ठीक है भाई? अच्छा अब देखो एक और चीज, यहाँ पे क्या करो इसको 2 का स्क्वायर में सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है? आप देखते रहना ये 4 हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास सिंगल, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ना लिख के हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एन एन कैंसिल हो गया, समझ गए? अब ये वाला जो एन है अपॉन में है उसको हम लोग को अंदर भेज देना है, ठीक है? अब जल्दी से अंदर भेज दो इसको, तुम्हारा क्या बना 2 लिमिट, ठीक है 0 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा आपका 4 बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, अब देखो एन स्क्वायर हो गया है, यहाँ पे क्या है आपका एन माइनस वन टू एन माइनस वन बाय सिक्स, ठीक है? अब यहाँ देखो 2 2 कैंसिल, अब ये जो एन है एक एन इसके साथ एक एन इसके साथ भेज दो, ठीक है?
अब जरा इसको भेजो, यहां रहेगा टू लिमिट टेंस टू जीरो वन प्लस हो जाएगा एन माइनस वन अपॉन में एन, एक साथ टू बाई थ्री बाहर कर लो इसको, ये हो जाएगा टू एन माइनस वन अपॉन में थ्री, ठीक है। तो ये जो एन टेंस टू जीरो चला आ रहा था आपका, यहां पे इसको प्लेस कर दो जल्दी से, इसको हटाओ जल्दी से, ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट टेंस टू जीरो वन प्लस टू बाई थ्री मिलेगा वन माइनस, इसको रख कर देते हैं, ये हो जाएगा वन अपॉन में एन, ये हो जाएगा टू बाई थ्री एन, यहाँ पे भी एन था ठीक है, ये हो गया आपका टू माइनस वन अपॉन एन, ये हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ एन दिख रहा है, एन की जगह पे जीरो रखोगे तो ये तुम्हारा ये सब गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो लिमिट अप्लाइंग लिमिट, देखो अप्लाइंग लिमिट तो ये हो जाएगा टू, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वन प्लस टू बाई थ्री है तो टू बाई थ्री रख दो, अंदर क्या बचा, ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, या एस टेंस टू जीरो कह लो या एन टेंस टू इन्फिनिटी कह लो, बात एक ही है ना, जो भी चीज है। तो ये हमारा क्या बचा, वन हो गया, जैसे इधर से टू बचा, तो हमारा अंदर क्या बचा, वन इंटू टू बचा, यहां पे देखो टू वन प्लस या टू बाई थ्री हो गया इंटू देखो टू हो गया, ठीक है। अब जरा इसको जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा, टू टू दा फोर हो गया, फोर बाई थ्री हो गया प्लस वन है, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये यहां से यहां तो देखो इक्वल टू वहां बचा आपका टू वन प्लस फोर बाई थ्री, और सॉल्व करोगे तो टू मिलेगा थ्री प्लस फोर बाई थ्री, उसके बाद ये क्या बचेगा टू सेवन बाई थ्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो फोर्टी टू बाई थ्री, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, जीरो टू टू का एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ये फाइनल आंसर आपका फोर्टीन बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। मान के ही थोड़ा लेंथी है लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी सीरीज भी लग सकती है, प्रॉपर्टीज भी लग सकती है, लेकिन कह रहे एक क्वेश्चन बनता है इससे, तो अगर आपको इससे रिलेटेड जो है लिमिट्स के वाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको फोन कर लिएगा या मैसेज कर लिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।